अवार्ड जीतने के बाद मनीषा ने कही ये बात, फैंस हुए हैप्पी। बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनीषा रानी को बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में देखा गया था। इस शो में मनीषा चुलबुली अदा से फैंस को दीवाना बनाती नजर आई थी। घर के अंदर मनीषा की बॉन्डिंग काफी कंटेस्टेंट्स के साथ देखी गई, जिनमें अभिषेक और एल्विश शामिल थे। हाल ही में मनीषा रानी को एक अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हाँ, मनीषा रानी को कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया, जिसे लेकर कई बार मनीषा ट्रोल भी हो चुकी हैं। उन्हें उनके कंटेंट के लिए कई लोग ट्रोल कर चुके हैं कि वो अच्छे कंटेंट बनाया करें, क्योंकि जो भी वो बनाती हैं वो काफ़ी चीप है, वो काफ़ी अजीब होता है, ज़्यादा लव एंगल होता है उसमें, उन्हें कोई सेंसिबल बनाना चाहिए कंटेंट। और अब उन्हीं कंटेंट के लिए मनीषा रानी को अवार्ड भी मिला है। वेल, मनीषा रानी अवार्ड पाकर बेहद खुश हुई और अब उन्होंने अवार्ड पाने के बाद जो स्पीच दिया वो काफ़ी इमोशनल है। मनीषा ने कहा कि आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप एक दिन सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। मैं भी छोटे से शहर से थी और छोटे से शहर से निकल कर मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तो बस आपको अगर ये मुकाम हासिल करना है तो सिर्फ एक चीज़ करनी होगी और वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वेल, मनीषा ने जो बातें बोली वो काफ़ी सही है, क्योंकि मनीषा आज अपने जिस भी मुकाम पर हैं वो अपने मेहनत की वजह से ही है। मनीषा ने अपनी कई पुरानी यादों को शेयर करते हुए बताया भी था कि वो किस तरीके से पर्दे लगा कर वीडियो क्रिएट किया करती थी, और अब आज मनीषा इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि उन्हें उनके कंटेंट के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।